जीके फैक्ट्स करण में जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्राइडे और सैटरडे जो है आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर क्लास मिलती है जिसमें हम पूरी जो है डिटेल से उस टॉपिक को जानते हैं, ठीक है। आज जो फ्राइडे है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी के ऊपर, ठीक है। आपको पता होगा कि ज्योग्राफी में जब भी क्वेश्चन आता है तो गैलेक्सी से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा नहीं हो सकता है। हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में गैलेक्सी से पूछा जाता है, तो आप पूरे टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में आपकी नॉलेज के लिए पूरी तरीके से मैंने इस टॉपिक को तैयार करा है और बहुत अच्छे से मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपको समझ भी आएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम का वेस्टिंग नहीं करते और समझते हैं आकाशगंगा के बारे में। हम जो है 6 पॉइंटों में इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आकाशगंगा क्या है आखिर में। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो ये करेंगे कि आकाशगंगा का जन्म कब हुआ यानी कि जो गैलेक्सी है उसका जन्म कब होता है। कितने प्रकार की है आकाशगंगा यानी कि एक ही प्रकार की है और भी है उसको जानेंगे। साथ में जो हमारी गैलेक्सी है यानी कि जो हमारे आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। काफी बार एग्जाम में इस पर जो है क्वेश्चन आता है कि जो है हमारी आकाशगंगा का नाम किससे जाना जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में जो आकाशगंगा है उसके कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो वहां पर आपसे कभी कभी वो फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में आकाशगंगा क्या है। देखिए आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और जो सूरज है वो एक क्या है, एक तारा है, एक सितारा है, ठीक है। उसके ऊपर बात करेंगे तो हमको जो है फिर ब्रह्मांड, आकाशगंगा, ये सब देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब आकाशगंगा जो है वो क्या है, वो सितारों का एक समूह है। आकाशगंगा क्या है यानी कि गैलेक्सी क्या है, वो सितारों का एक समूह है जिसके अंदर एक सितारा है जिसका नाम है सूरज, ठीक है। तो इसी तरीके से सूरज की तरह से और भी सितारे हैं। अब वो जो सितारे हैं वो धीरे 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 जितने भी सितारे आकाशगंगा में वो मिलकर जो है एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का तो अभी तक पता चला नहीं है कि भैया ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, ये तो पता चला ही नहीं है। और ब्रह्मांड के अंदर ही आकाशगंगा है, और आकाशगंगा ये नहीं है जो हमारी गैलेक्सी है वो एक ही ब्रह्मांड के अंदर, नहीं। मैंने अभी क्या कहा, ब्रह्मांड जो है वो बहुत बड़ा है, इसका पता ही नहीं चला गया है कि आखिर में इसका अंत है भी या नहीं है, ना इसका साइंटिस्ट पता लगा सके और ना ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है कि अंत है नहीं, क्योंकि यह हर दिन जो है बढ़ता है, हर साल बढ़ता है, ये हमको सुनने को मिलता है, ठीक है। तो ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा, और एक आकाशगंगा नहीं है, कई आकाशगंगा है, कई लाखों करोड़ों अरबों बिलियन आकाशगंगाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब गैलेक्सी जो है, उस गैलेक्सी जो है वो सितारों का समूह है, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और उसमें अलग अलग तरीके के सितारे हैं, उसी से जो है इस आकाशगंगा का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसमें एक हमारा भी जो है अच्छा सितारा है जिसको सूरज है, और सूरज की बात करेंगे तो फिर आ जाते हैं ग्रह, और जिसमें हमारा एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, ठीक है। बाकी शुक्र शनि वो सब आप जानते ही हैं, ठीक है ना, ये चीज है। तो आपको ये पता होगा। अब बात आती है सर निर्माण कैसे हुआ, मतलब आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ। देखिए होता क्या है, जो गैस और डस्ट है, साथ में जो ग्रह सितारे हैं, ये सब मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे ब्लैक होल हो गया, आपने सुना होगा ब्लैक होल, इसके बाद जो है अगले फ्राइडे जो आपको मिलेगा वो ब्लैक होल के ऊपर ही वीडियो मिलेगी। तो ब्लैक होल हो गया, मैटर हो गया, इस तरीके से जो है ये छोटी छोटी चीजों का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब आकाशगंगा में ये बताया जाता है कि 98% जो है वो केवल तारे हैं, क्या है, तारे हैं, और 2% एक गैस है। 2% क्या है, उसके अंदर धूल और गैस के कण पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक, ये सब समझ गए। अब बल के जरिए, मतलब होता क्या है, अब आप आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि जो आकाशगंगा है, आपने बोला आकाशगंगा है उसमें सितारे हैं, उसमें गैस है, उसमें जो है ब्लैक होल है, वो सब चीजें हैं, लेकिन ये काम कैसे करती है, एक ही गैलेक्सी में कैसे घूम रही है, दूसरी गैलेक्सी में क्यों नहीं पहुंचती है। देखिए ना पहुंचने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये सब हमको देखने को मिलता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां पर आपको समझ आएगा। देखिए होता क्या है, गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है, जैसे मैंने अभी कहा था गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है, हम थोड़ा पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी पर क्या है, एक जगह ले लीजिए, कोई भी एक जगह ले लीजिए, आप दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली में एक ही घर तो नहीं होगा, दिल्ली के अंदर एक ही क्षेत्र तो नहीं होगा, बहुत सारे क्षेत्र हैं, है ना, नोएडा है, गुड़गांव है, इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्र है। अब वो भी नोएडा गुड़गांव क्षेत्र में भी एक घर नहीं होगा, उसके अंदर भी क्या होंगे, छोटी मोटी कॉलोनियां बनी हुई है, उन कॉलोनियों में भी एक घर नहीं है, उसमें क्या है, उसमें भी जो है उस कॉलोनियों के अंदर एक एक करके घर बने हुए, जिससे उस कॉलोनी का निर्माण हुआ, उस कॉलोनी को नाम दिया गया, उस कॉलोनी से निर्माण उस क्षेत्र का हुआ, उस क्षेत्र से फिर वो क्या बना, एक राज्य बना,
ठीक है ना, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र करके। तो गैलेक्सी भी कुछ इसी तरीके से, इनका भी निर्माण कुछ इसी तरीके से हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया था गैलेक्सी के अंदर सितारे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि सितारों से ही गैलेक्सी बन गई, नहीं, सितारों के अंदर भी ग्रह देखने को मिलते हैं, ठीक है, गैस और डस्ट देखने को मिल जाती है, यानी कि आप पिंड बोल सकते हैं, जिनको पिंड के पिंड गोले जो होते हैं वो चीजें, ठीक है। उसके बाद ब्लैक होल जैसा, ब्लैक होल हमको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है जिसके अंदर जाया नहीं जा सकता है ना, साइंटिस्टों का ये कहना है। मैटर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, इन सब चीजों से क्या होता है, आकाशगंगा का निर्माण होता है। मैं उम्मीद करता हूं आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ, कैसे होता है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। करोड़ों लाखों गैलेक्सियां हैं, ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों लाखों गैलेक्सियां, उनके अंदर करोड़ों लाखों ग्रह होंगे, करोड़ों लाखों सितारे होंगे, ठीक है, ये आपको समझना है। तो यहां तक आप समझ गए। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आखिर में बात आती है कि सर आपने बोला आकाशगंगा है, आकाशगंगा के अंदर सितारे हैं, ग्रह हैं, ये सब चीजें, लेकिन ये एक ही जगह पर कैसे टिकी हुई है, दूसरी जगह पे क्यों नहीं जाती है। देखिए पृथ्वी मतलब ग्रह और सूरज का क्या है, अब भैया सूरज के और पृथ्वी का सारे चक्कर क्यों लगाती है, क्योंकि जो सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचे रखता है और उसको इधर उधर भटकने नहीं देता है। समझ रहे हैं मेरी बात को भाई। होता क्या है कि पृथ्वी क्या करती है, सूरज क्या करता है, सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचे रखता है और इसे उधर उधर भटकने नहीं देता है। उसी तरीके से जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का जो एक पॉइंट है वो इन सभी सितारों को, धूल के कणों को, या बात कर लीजिए ब्लैक होल को और भी अन्य चीजों को, इधर उधर दूसरी गैलेक्सी में भटकने नहीं देता है और अपनी तरफ खींच के रखता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गैलेक्सी वाला ये पार्ट आप अच्छे से जान गए होंगे। अब आता है सर जन्म का कारण क्या था, कैसे हो गया गैलेक्सी का जन्म। देखिए गैलेक्सी के जन्म के ऊपर ये कहा जाता है कि एक थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या है, बिग बैंग थ्योरी है जिसका, जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं, इसका एग्जांपल लेकर साइंटिस्टों ने इस आकाशगंगा के निर्माण के ऊपर बात करी है। बिग बैंग थ्योरी क्या थी, साइंटिस्टों के अनुसार ये कहना है कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ था आज से करीबन बिलियन साल पहले, कहा जाता है कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ था जिसको नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। अब जब उसका विस्फोट हुआ तो उसके बाद होता क्या है कि हाइड्रोजन और जो हीलियम के, हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु था उसका जन्म हो गया, ठीक है। क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु का जन्म हुआ। तो जब इसका जन्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे हमको गैस और धूल का जन्म हमको देखने को मिलता है, मतलब गैस और धूल के जो है कण देखने को मिले। अब जब गैस और धूल के कण देखने को मिल गए तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, उन्होंने धीरे धीरे एक सितारा, ग्रह, इनके रूप में वो परिवर्तन होते रहे समय के साथ साथ, ठीक है। तो जब वो समय के साथ साथ परिवर्तन होते तो सितारे बन गए, ग्रह बन गए, कुछ जो है सूरज जैसे पर निर्माण हो गया, इस तरीके से, ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। तो याद रखिएगा कि आकाशगंगा का निर्माण होता है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, यानी कि आज से करीबन बिलियन साल पहले, ठीक है, अनुमान कोई भी नहीं है, आज से बिलियन साल पहले ये बताया जाता है कि क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ था। विस्फोट होने के बाद जो है हीलियम और जो हाइड्रोजन और हीलियम थे उसके कण जमा होने लगे, जब धूल और उसके कण जमा होने लगे तो चीजों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो है एक ही जगह क्यों ठहरते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ब्रह्मांड में याद रखिएगा, यानी कि जो गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, मतलब ब्रह्मांड अलग है, गैलेक्सी अलग है, ब्रह्मांड के अंदर ये कहा जाता है कि आज भी नई नई गैलेक्सियों का निर्माण हो रहा है। मैंने अभी कहा था ना कि ब्रह्मांड का कोई भी पता नहीं है कि कितना बढ़ता है, क्या बढ़ता है, कहां तक है, कोई भी पता नहीं है, ठीक है। तो जो ये कहते हैं कि ऊपर वाला नहीं है, वो यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि साइंटिस्ट भी यहां पर हार मान जाते हैं कि ब्रह्मांड का आखिर में अंत क्या है, ठीक है। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, ये एक अनुमान है, याद रखिएगा, पुष्टिकरण नहीं है, एक कहा गया है कि ऐसा हुआ था, ठीक है, ऐसा हुआ था ये बताया गया। क्योंकि अगर साइंस ही सब कुछ है तो फिर ब्लैक होल के अंदर जाके दिखाए तो बात है ना, वो चीज है, क्योंकि साइंस की भी एक लिमिट होती है कि वो इतने तक ही रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं, ये आप अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। और आज भी गैलेक्सियों का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। अब निर्माण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए दो गैलेक्सियां आपस में टकराती है, जब दो गैलेक्सी आपस में टकराती है तो एक नई गैलेक्सी बनकर निकल जाती है उसमें से, तो वो चीजें जो है कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट पे, जिसका पॉइंट है कि आकाशगंगा जो है वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है। इसको जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि आकाशगंगा जो है वो कितने प्रकार के है? लेकिन आकाशगंगा के जो है करीबन तीन प्रकार बताए जाते हैं, ठीक है, आकाशगंगा के तीन प्रकार जाते हैं। और किसी जो है जो ये आकाशगंगा है ना,
है ना। ये याद रखिएगा, एक खगोल शास्त्री है, आकाश गंगा जो है मतलब तीन गैलेक्सियां हैं इसके बारे में जो है, एक खगोल शास्त्री है जिनका नाम है इडवन। इडवन ने जो है इसके बारे में 1926 में इन्हें क्रम अनुसार बताया था कि तीन तरह की गैलेक्सी है वो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली जो है वो है स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी है जिसको हिंदी में कहा जाता है सपरिलकार आकाश गंगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाली हमारी आती है, तीसरी वाली जो आती है उसको बोलते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी, जिसको हिंदी में दीर्घवृत्तीय कहा जाता है, ठीक है। और इरेग्युलर जो होती है वो तीसरी गैलेक्सी है हमारी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये तीसरी गैलेक्सी है जिसको कहा जाता है इरेग्युलर, यानी कि अनियमित आकाश गंगा। अब इन तीनों के बारे में याद रखिएगा, जैसे जो स्पाइरल है ये जो होती है वो घुमावदार होती है, जैसे आप देख भी रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक घुमावदार है, इसीलिए चक्र की तरह ये दिखाई देती है ना। और ये चक्र की तरह जो दिखाई दे रही है ना, इसको एस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको एस कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी गैलेक्सी है जिसको एस वर्ड के रूप में वर्णित करा जाता है या बताया जाता है, तो वो स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है, यानी कि स्पिरलाकार इसको हिंदी में कहा जाता है। इलिप्टिकल जो है ये गोला और अंडाकार की होती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है, ये गोल और अंडे आकार की है, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि इसमें थोड़ा बहुत डस्ट और गैस पाया जाता है, ठीक है। इरेग्युलर जो है ये एक इसका जो शेप्स होता है ना, ये दोनों से बिल्कुल अलग है, ये देख सकते हैं किसी भी शेप की नहीं है, बिल्कुल आपको अलग देखने को ये मिल रही है, क्लियर है। को जान गए होंगे कि गैलेक्सी के कितने प्रकार हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी गैलेक्सी का आखिर में नाम क्या है, ठीक है, हमारी गैलेक्सी को किस नाम से जाना जाता है। जितना भी अभी तक समझाया है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपके आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अच्छा होगा कि अगर आप नोट्स एक तरीके से बना लेते हो, ठीक है, और अगर एक बार पहले वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद दोबारा देख लेना ताकि नोट्स बना सको अच्छे से, क्लियर। अब बात करते हैं कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। आपने मिल्की वे का नाम सुना होगा, ठीक है, मिल्की वे वो हमारी गैलेक्सी का नाम है, ठीक है, यानी कि मिल्की वे जैसी और गैलेक्सी है, ठीक है, एक मिल्की वे नहीं है, मिल्की वे जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना उसके अंदर आता है सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति, ये सारे आ जाते हैं और भी आ जाते हैं, ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो याद रखिएगा कि मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे है। अब मिल्की वे जो गैलेक्सी का नाम है ये स्पाइरल है, क्या है, स्पाइरल वाली गैलेक्सी इसको माना जाता है, ठीक है, यानी कि सर्पिलाकार इसको कहा जाता है हिंदी में, तो इसको स्पाइरल कहा जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि थोड़ा एस प्रकार की है, मतलब क्या कहते हैं इसको, ये थोड़ी किस तरीके से होती है, ये जो होती है चक्र की तरह काम करती है, मतलब चक्र की तरह इसका भी शेप है, ठीक है, ये साइंटिस्टों की तरफ से कहा गया। अब ये जो गैलेक्सी है इसमें ये बताया जाता है लगभग 100 बिलियन से लेकर 300 बिलियन स्टार्स हैं इसके अंदर। 100 बिलियन, आप समझ सकते हो कि 100 बिलियन कितना होता है, और 300 बिलियन तक बताया जा रहा है कि इसके अंदर स्टार्स हैं, क्लियर है। साथ ही ये याद रखिएगा कि सूर्य हमारे आकाशगंगा का केंद्र का जो एक चक्कर लगाता है, सूर्य क्या करता है, आकाशगंगा जो है ना हमारी, आकाशगंगा भी मैंने क्या कहा, बहुत बड़ी है। अब आकाशगंगा पर सारी चीजें कैसे टिकी हुई है, आकाशगंगा के केंद्र में जो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है उसके कारण टिका हुआ है, जैसे पृथ्वी कैसे टिका है सूरज के गुरुत्वाकर्षण, उसी तरीके से तो सूर्य जो गुरु आकर्षण जो चक्कर लगाता है किसका, गैलेक्सी का, वो 25 करोड़ वर्षों में लगाता है, कितना, 25 करोड़ वर्षों में पूरा करता है। साथ में आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा सितारा, आकाशगंगा का सबसे बड़ा जो सितारा है वो पिस्टोल करके सितारा है जो कि सबसे बड़ा है। और अब बात करते हैं आकाशगंगा से जुड़े फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी मैंने आपको क्या कहा कि हमारी जो आकाशगंगा है और जिसमें हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे आकाशगंगा जो है इसके नजदीक एक क्या है, एक गैलेक्सी है जिसका नाम है ड्रोमेडा, क्या है, ड्रोमेडा करके एक गैलेक्सी है। और यह बताया जाता है कि आज से करीबन 4.5 बिलियन साल के बाद जो है इन दोनों में आपस में टकराव होगा और एक नई गैलेक्सी का निर्माण होगा। ये आपको याद रखना है कि जब इन दोनों में टकराव होगा तो एक नई तरह की गैलेक्सी का निर्माण होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ब्रह्मांड बताया आपने, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी गैलेक्सी, तो गोडजिला करके जो गैलेक्सी है, गोडजिला वो सबसे बड़ी गैलेक्सी है ब्रह्मांड की। याद रखिएगा कि गोडजिला जो गैलेक्सी है वो क्या है, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी की बात करें तो दो है, एक है सेग्यू 1 और एक है सेग्यू
थ्री, ठीक है, सेग्यू वन और सेग्यू थ्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब तक का सबसे दूर आकाश गंगा, अब ये भी होना चाहिए कि ब्रह्मांड का अब तक का सबसे दूर आकाश गंगा कौन सा है, तो जी एट जी एन डी, याद रखिएगा, जेड एट माफ करिएगा, जेड एट जी एन डी जो है वो सबसे दूर का है, ठीक है, किसका सबसे दूर का है, पूरा नाम अगर बात करेंगे तो जी जी एट है, जी क्या कहते हैं जी एन डी और साथ में 5296, ठीक है, इस तरीके से पूरा नाम है, ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस गैलेक्सी वाले टॉपिक को अच्छे से जाना होगा, कहीं अगर मुझसे भूल हुई हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि सर आपने यहाँ पे गलत बताया था क्या, यहाँ पर आपको वो भी बताना चाहिए था। और साथ में आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन ना करा हो तो टेलीग्राम जरूर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आपको पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक है। और जो है फ्राइडे आज आपको ये मिली है और कल जो है आपको शीत युद्ध के बारे में वीडियो मिलेगी, तो उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई वीडियो। हाँ, एक चीज और बता दो, अगर आपने अभी तक मैक्सिमम जो है तीन फ्राइडे सैटरडे की वीडियो हो चुकी है, यानी कि तीन वीडियो हो चुके हैं, अगर इनमें से कोई सी भी नहीं देखी हो तो मैं जो है आपको एक दो दिन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो वहां से आप देख लीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा चैनल को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।